स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके क्वेश्चन आंसर हम देख रहे थे। अगला है डिफरेंशिएट करना है एसक्यूएल कमांड ड्रॉप टेबल और ड्रॉप व्यू। टेबल एक्चुअल चीज होती है जो डेटाबेस के अंदर हम रखते हैं, जिसके अंदर हम अपने रोज रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो यूजर को केवल कुछ दिखाने के लिए आप अवेलेबल कराते हैं। तो ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम टेबल को हटा सके, डिलीट कर सके, रिमूव कर सके और जितना भी डेटा है उसका पूरा आप हटा सकते हैं। सिंटेक्स इसका इस तरीके से होता है, बस ड्रॉप इसके साथ टेबल लिख दीजिए वो टेबल पूरा ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें ड्रॉप व्यू की, तो अगर हम जो भी एग्जिस्टिंग व्यू है और उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ड्रॉप व्यू से हम उसको हटा सकते हैं, तो उसका होता है ड्रॉप व्यू। बस अंतर इसमें समझिएगा कि टेबल एक्चुअल होता है, व्यू जो होता है कहीं रखा नहीं होता, ये जो है व्यू निकल के आता है, एक वर्चुअल चीज है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल डॉक्टर एंड सैलरी, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट फ्रॉम 1 टू दिस 4th, इसके एसक्यूएल क्वेरीज होंगी, इसको सॉल्व करना है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि डॉक्टर आपका टेबल है, इसमें आईडीज दी हुई है, साथ में आपके नाम है, डिपार्टमेंट है, आपका सेक्स है और एक्सपीरियंस है। तो इसमें कुछ रिपीटेशन भी है, जैसे ये FF रिपीटेशन है, कुछ नंबर्स भी रिपीटेशन है 10-10, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, टेबल एक सैलरी भी है, सैलरी में आप यहां ध्यान दें तो इसमें आईडी भी है, ये आईडी है, नेम डिपार्टमेंट सेक्स एक्सपीरियंस तो है, साथ में आपका आईडी उसके साथ ये अलग अलग जो कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है वो दिए। अब आपको डिस्प्ले करना है नेम ऑफ ऑल डायरेक्टर डॉक्टर्स, तो हम सिलेक्ट स्टार कर लेंगे या सिलेक्ट नेम कर लेंगे। मेडिसिन इसमें लाइक कर सकते हैं या इज इक्वल टू मेडिसिन लगा सकते हैं। क्या चीज मेडिसिन हम करेंगे यहां पर डिपार्टमेंट, और हैविंग मोर देन 10 years एक्सपीरियंस, तो ग्रेटर देन 10 एक्सपीरियंस, ग्रेटर देन 10 टेबल से टेबल आपको यूज करना है डॉक्टर, तो सिलेक्ट नेम, ये नेम फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर टेबल इन्होंने कहा है, जहां पर हम डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मेडिसिन करेंगे, डिपार्टमेंट हमें मेडिसिन चाहिए, और साथ में और इसके साथ है तो एंड लगेगा, एंड एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 10। इसके बाद है डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल डॉक्टर्स वर्किंग इन ईएनटी डिपार्टमेंट यूजिंग द टेबल्स डॉक्टर एंड सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस अलाउंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिलेक्ट, अब हमको क्या करना है कि यहां पर एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। अब इन्होंने कहा कि जो बेसिक प्लस अलाउंस ये सैलरी है, वे सैलरी तो सैलरी को बेसिक प्लस अलाउंस करेंगे, तो एवरेज के अंदर बेसिक प्लस अलाउंस जाएंगे फ्रॉम डॉक्टर ए। अब दो टेबल है तो डॉक्टर ए सैलरी बी, अब हमको क्या करना है जहां पर डिपार्टमेंट हमको बताना है ईएनटी हो ये वाला, और साथ में जो आईडीज हम इक्वेट कर देंगे ए डॉट आईडी इज इक्वल टू बी डॉट आईडी। डिस्प्ले द मिनिमम अलाउंस ऑफ फीमेल डॉक्टर्स, तो हम डॉक्टर्स इज इक्वल टू फीमेल करेंगे और उसके बाद अलाउंस का एवरेज मतलब MIN करके एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, तो सिलेक्ट मिनिमम अलाउंस फ्रॉम डॉक्टर ए एंड सैलरी बी, क्योंकि डॉक्टर एक में है सैलरी दूसरे में है, इसलिए यहां पर ए यहां पर बी, और जहां पर हम फीमेल करेंगे तो हम सेक्स जो है वो एफ रखेंगे, जहां पर जैसे वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, ये फीमेल हो गया, और ए डॉट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी, दोनों से हमने मैच करा दिया। डिस्प्ले द हाईएस्ट कंसल्टेशन फी अमॉन्ग ऑल मेल डॉक्टर, हाईएस्ट कंसल्टेशन फी, तो जैसे सेक्स मेल कर देंगे एम, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम निकालना होगा कंसल्टेशन फी, तो सिलेक्ट मैक्स, यहां पर कंसल्टेशन आ गया फ्रॉम डॉक्टर ए, मतलब ए क्योंकि डॉक्टर सैलरी दोनों ही टेबल यूज करने हैं, डॉक्टर ए इक्वल टू सैलरी कमा सैलरी बी, सेक्स हम मेल मानेंगे क्योंकि हमें मेल डॉक्टर चाहिए, और इक्वेट करने के लिए दोनों टेबल को कैसे रिलेट करेंगे ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम डॉक्टर वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, वो सारे डॉक्टर्स जो फीमेल है वो सारी यहां पर डॉक्टर टेबल से आ जाएंगे, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा आपका, कितनी फीमेल डॉक्टर्स हैं, 4 आएंगे इसमें। नेम डिपार्टमेंट बेसिक ये सिलेक्ट होगा डॉक्टर टेबल से, जहां पर डिपार्टमेंट ईएनटी होना चाहिए और डॉक्टर डॉट आई डी इज इक्वल टू सैलरी डॉट आई डी, तो इसमें क्या आएंगे वो साहब आएंगे जिनकी जिनकी डिपार्टमेंट यहां पर ईएनटी हो और जिनकी सैलरी यहां पर बेसिक जो आपकी सैलरी है वो यहां पर आएगी। व्हाट आर डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स, तो डीडीएल है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर के जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको बना सके,
और उसके ओवरऑल स्कीमा को मॉडिफाई कर सके, जैसे टेबल्स हैं या और भी ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं। अब आप जब एग्जीक्यूट करते हैं डीडीएल स्टेटमेंट को, तो वो फटाफट उसी समय एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे डीडीएल में कमांड अगर आप देखें तो क्रिएट टेबल है, ड्रॉप टेबल है, क्रिएट इंडेक्स है, जबकि डीएमएल एक एब्रीविएशन है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। अब हम हमारा टेबल वगैरह सब बन चुका है, हमारा डेटाबेस तैयार है, अब उसमें हम डेटा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको रिट्रीव कर रहे हैं, इंसर्ट करते हैं। तो रिट्रीव, स्टोर, मॉडिफाई, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये करना है डेटाबेस में। जैसे एग्जांपल आप लीजिए तो सिलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट, ये स्टेटमेंट है। अभी आपको दो टेबल आपने दिए हैं 11 में, एक फ्लाइट है और एक फेयर्स है, और उसमें एसक्यूएल कमांड है आपके पास, और लिखने हैं और कुछ एसक्यूएल कमांड है उसका उत्तर देंगे। तो एक फ्लाइट है, फ्लाइट्स, इसमें फ्लाइट नंबर है, स्टार्टिंग और एंडिंग है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स है, नंबर ऑफ स्टॉप्स है। दूसरा है फेयर्स। अब इन सब की फ्लाइट FLNO दोनों में कॉमन है, तो FLNO से हम इनको इक्वेट कराएंगे, मतलब एक टेबल से डॉट FLNO इज इक्वल टू दूसरा टेबल डॉट FLNO। यहाँ पर एयरलाइंस दी हुई है, फेयर दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, और इसमें क्या करेंगे हम, डिस्प्ले FL नंबर एंड नंबर ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम कानपुर टू बैंगलोर फ्रॉम टेबल फ्लाइट्स। तो इसमें टेबल लिखेंगे सिलेक्ट दिस FL नंबर एंड नंबर ऑफ फ्लाइट्स, टेबल हम यूज करेंगे फ्लाइट, और जहां पर जो सोर्स हो कानपुर हो, डेस्टिनेशन बैंगलोर हो, तो सिलेक्ट FL नंबर एंड नंबर ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम फ्लाइट्स, क्योंकि टेबल ये है, जहां पर स्टार्टिंग लाइक कानपुर होगा और साथ में एंड लगाएंगे, और एंड जो एंडिंग लाइक बैंगलोर होगा। अरेंज द कंटेंट्स ऑफ द टेबल फ्लाइट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ FLNO। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर बाय FLNO कर देंगे, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हम सिलेक्ट स्टार करेंगे, फ्लाइट से निकालेंगे ऑर्डर बाय FLNO यानी फ्लाइट नंबर के हिसाब से। आपको डिस्प्ले करना है फ्लाइट नंबर और फेयर, जो पे करना है फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, फ्लाइट और फेयर्स दोनों आपको टेबल यूज करने हैं। जहां पर जो फेयर आपको कैलकुलेट करना है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, फेयर प्लस फेयर इंटू टैक्स, ये वाला पर्सन जो भी है, डिवाइडेड बाय 100। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको फ्लाइट, पहले तो फ्लाइट चाहिए और फ्लाइट नंबर चाहिए, यहां पर करेंगे सिलेक्ट फ्लाइट्स फ्लाइट नंबर। अब इसमें जो तीसरी चीज है जो फेयर पे करना है, वो है फेयर प्लस फेयर इंटू टैक्स परसेंट राइट फ्रॉम फ्लाइट्स और फेयर दोनों में लेंगे। यहां पर स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग लाइक दिल्ली, एंड क्या होना चाहिए, मुंबई, एंडिंग लाइक मुंबई, और साथ में अब दोनों को मैच भी कराना है, दो टेबल यूज कर रहे हैं, तो दो टेबल कैसे आप मैच करेंगे, वो करेंगे फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट नंबर इज इक्वल टू फेयर्स डॉट फ्लाइट नंबर। अब डिस्प्ले करना है आपको मिनिमम फेयर इंडियन एयरलाइंस ऑफर जो करती है फेयर टेबल से, तो उसके लिए हम मिनिमम केवल एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लेंगे, सिलेक्ट मिनिमम फेयर फ्रॉम फेयर्स, सिलेक्ट फ्लाइट। अब इसका उत्तर क्या आएगा, फ्लाइट नंबर, नंबर ऑफ फ्लाइट और एयरलाइंस आएंगी, इन दोनों टेबल का यूज हो रहा है। जहां पर स्टार्टिंग दिल्ली है तो इसमें क्या होगा, जो भी स्टार्ट हो रही है दिल्ली से वो आपका आएगा, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें क्या है, अगर आप बुक में देखेंगे जो कॉलम FLNO है, ये इस जो फील्ड लिस्ट में है थोड़ा एम्बिगुअस है, इसे ध्यान रखिएगा कि करेक्ट कोड और उसका उत्तर देखिए। ये जो इसमें सिलेक्ट फ्लाइट्स आएगा सबसे पहले, FLNO नहीं आएगा, अब ये फ्लाइट्स डॉट FLNO करेंगे, ध्यान दीजिएगा, FLNO एम्बिगुटी क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको पता ना FLNO कहाँ का चूज करें, पहले टेबल का दूसरे टेबल का, तो फ्लाइट्स डॉट FLNO करेंगे, ये लाइन आप ठीक कर दीजिएगा, ये गलत है, इसको ऐसे ठीक करेंगे। नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ जाएगी फेयर्स, अब एयरलाइंस कौन सी है, तो फेयर्स से एयरलाइन निकालेंगे, फेयर्स डॉट एयरलाइन राइट, और यहां पर फ्रॉम फ्लाइट्स फेयर्स तो ठीक है, वे फ्लाइट्स डॉट स्टार्टिंग लाइक दिल्ली, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर आप जो स्टार्टिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, फ्लाइट्स डॉट स्टार्टिंग लाइक दिल्ली और फ्लाइट्स डॉट FLNO, ये तो ठीक है, ये दोनों ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जब ये रिजल्ट आएगा तो हमारे पास वो सारी फ्लाइट्स आ जाएंगी जो दिल्ली से शुरुआत हो रही है, और इनके हमारे पास फ्लाइट नंबर, नंबर ऑफ फ्लाइट्स और एयरलाइंस भी आ जाएंगी। अब अगला है सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एंडिंग। तो डिस्टिंक्ट मतलब केवल आपके पास जो डुप्लीकेशन है वो हट जाएगा, काउंट हमें करना है, काउंट होगा फ्रॉम फ्लाइट्स कितनी है, तो 7 हमारे पास है बगैर इसकी डुप्लीकेशन के। ये टेबल है वर्कर, एक वर्कर है और डेजिग्नेशन DSIG, ये दो है हमारे पास, SQL के कमांड पहले लिखने होंगे, फिर उसके बाद हमें वर्कर लिखने होंगे, मतलब क्वेरीज लिखनी होंगी वर्कर, और ये डिजाइन डेजिग्नेशन डिजिग करके है। तो इसमें क्या करेंगे, वर्कर में है WID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी राइट,
अब अगले वाले में है WID, अब तो WID से मैच करा लेंगे दोनों को, सैलरी है, बेनिफिट्स है, डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे। अब डिस्प्ले करेंगे WID फर्स्ट नेम, एड्रेस ऑफ सिटी, कहाँ से, ऑल एम्प्लॉयज लिविंग इन न्यूयॉर्क फ्रॉम द टेबल वर्कर्स, तो जितने जो भी हम जो वेयर क्लॉज देंगे उसमें न्यूयॉर्क लेंगे, सिलेक्ट में ये तीनों आ जाएंगे, टेबल नाम वर्कर आएगा, तो सिलेक्ट WID फर्स्ट नेम और एड्रेस सिटी, फ्रॉम कहाँ से लेंगे, वर्कर से, जहां पर सिटी आपका न्यूयॉर्क के लिए बस। अच्छा, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्कर्स टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर बाय लास्ट नेम, तो ऑर्डर बाय लास्ट नेम कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर बाय लास्ट नेम, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्कर, तो हम सारे कंटेंट दिखाना तो सिलेक्ट स्टार करेंगे और टेबल का नाम फ्रॉम वर्कर्स। डिस्प्ले करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी, सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी प्लस बेनिफिट करके, और टेबल होगा वर्कर और डेजिग, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी में हम सैलरी प्लस बेनिफिट्स कर देंगे एज, अब ये जो ये है इसका कोई जब ये रिजल्ट आएगा तो उसका नाम भी तो देना होगा कॉलम का, तो एज टोटल सैलरी कर दिया क्योंकि इन्होंने टोटल सैलरी मांगा है, इसी का नाम यहाँ पर कर दिया। फ्रॉम हम क्या करेंगे, एक वर्कर से और डेजिग से दोनों से लेंगे, लेकिन अब दोनों को मैच कराना है, तो वेयर वर्कर्स डॉट WID इज इक्वल टू डेजिग डॉट WID, यानी कि होता क्या है कि दो जब टेबल्स होती है तो आपस में उनको रिलेट कराने के लिए हम इस तरीके से करते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मिनिमम सैलरी निकालनी है तो मिन सैलरी कर देंगे, जितने भी मैनेजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, और टेबल डेजिग्नेशन, तो सिलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम डेजिग्नेशन, वेयर डेजिग्नेशन इन, जब दो हमें चेक करने होते हैं तो हम इस तरीके से इन लगाते हैं, इन मैनेजर, ये सिंगल कोट्स में आएगा, कॉमन कॉमा करके क्लर्क भी सिंगल कोट्स में आएगा। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सैलरी फ्रॉम वर्कर्स, वेयर डेजिग्नेशन मैनेजर है, और जहां पर वर्कर डॉट WID इज इक्वल टू डेजिग डॉट WID, फर्स्ट नेम सैलरी वहां उन दोनों से निकल के आएगी, वर्कर डेजिग्नेशन से, जहां डेजिग्नेशन मैनेजर है, जो जो मैनेजर होंगे वो निकल के आएंगे, तो सैम, मनीला, जॉर्ज, तीनों मैनेजर। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम डिजिट, तो सारे के सारे इसमें डेजिग्नेशन आ जाएंगे, कितने हैं, कितने हैं, चार डेजिग्नेशन है, काउंट है, काउंट हमेशा नंबर देता है, एक काउंट। अब सिलेक्ट डेजिग्नेशन सम सैलरी, तो डेजिग्नेशन आएगा और सबकी सैलरी का सम आएगा, ग्रुप से, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन से निकल के आएगा, ग्रुप बाय करेंगे इसको डेजिग्नेशन हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3, जिसका काउंट पूरा 3 से कम होगा वो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टर सेल्समैन, जिनका काउंट 3 से कम है वो ये डायरेक्टर सेल्समैन है, 85,000-60,000। सिलेक्ट सम, सम करना है बेनिफिट्स का डेजिग्नेशन से, जहां पर डेजिग्नेशन सेल्समैन है, तो जो जो सेल्समैन है उनके बेनिफिट्स जोड़ के आ जाएंगे, सम बेनिफिट्स 15,000। अब आपके पास ये टेबल है, इसमें भी ये काम करना है, एक गारमेंट टेबल है जिसमें जी कोड है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कोड है, रेडिक डेट है। दूसरा टेबल आपके पास है फैब्रिक, फैब्रिक में फैब्रिक कोड है, तो मैच हम उनसे करा लेंगे, दोनों टेबल में कुछ भी मैच होना चाहिए, तो यहाँ पर एफ कोड से करा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर टाइप है पोलिस्टर। अब हमको डिस्प्ले करना है जी कोड और डिस्क्रिप्शन हर एक गारमेंट का, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जी कोड में करना है, तो सिलेक्ट जी कोड, डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम गारमेंट, राइट, ऑर्डर बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर बाय DSC, ऑर्डर बाय DSC करेंगे, राइट। अब टू डिस्प्ले दी डिटेल्स ऑफ गारमेंट्स विच हैव रेडी डेट इन बिटवीन, तो बिटवीन दे इन्होंने दे ही रखा है तो वही आपको करना है, बिटवीन दिस एंड दिस इसको इंक्लूड करना है, तो सिलेक्ट स्टार सारा डिस्प्ले करना है, गारमेंट से निकालेंगे, जहां पर रेडीमेड बिटवीन, बस सीधा ये बिटवीन यूज कर लीजिए, दिस एंड दिस, दिस डेट एंड दिस डेट। डिस्प्ले करना है एवरेज प्राइस सारे गारमेंट का, तो एवरेज निकालते ही आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, विच आर मेड ऑफ फैब्रिक विद एफ कोड एज F03, तो F को वेयर में हम F कोड इज इक्वल टू F03 डाल देंगे, तो सिलेक्ट करेंगे एवरेज, यहाँ पर प्राइस फ्रॉम यहाँ पर गारमेंट, वेयर टेबल ले लेंगे जहां पर F कोड F03 हो। इसी तरीके से डिस्प्ले करना है फैब्रिक वाइज हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस, तो इसमें मिन मैक्स दोनों निकलेगा फ्रॉम गारमेंट टेबल, और डिस्प्ले करना है F कोड सारे गारमेंट का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के साथ, आपको F कोड भी डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट F कोड करेंगे, मैक्सिमम प्राइस निकालेंगे, मिनिमम प्राइस निकालेंगे क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट हम पूछे गए हैं, और किस टेबल से करना है, गारमेंट से, और ग्रुप बाय कैसे करेंगे, एफ कोड, उन्होंने कहा है डिस्प्ले एफ कोड आपका रहना करना है क्योंकि आपको इसको जो ऑर्डर बाय करना है या ग्रुप बाय करना है, सॉरी ऑर्डर बाय ग्रुप बाय करना है, एफ कोड के हिसाब से करना है। सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम गारमेंट वेयर एफ कोड इक्वल टू F01, तो वो सारे जिसके एफ कोड F01 है गारमेंट से निकल के आएंगे और उन सब उनका सम हो जाएगा प्राइस का, 2600। ऐसे सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, टाइप, सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन और टाइप दिखाया जाएगा, गारमेंट और फैब्रिक दोनों से ले रहे हैं, जहां पर गारमेंट का एफ कोड फैब्रिक एफ कोड से बराबर हो, मतलब ये तो केवल मैच कराने के लिए है, लेकिन असली चीज है कि गारमेंट का प्राइस 1260 से ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा,
टाइप आएगा और वो सारे नाम आएंगे जो जिनका गारमेंट का प्राइस 1260 से ऊपर है। अब सिलेक्ट मैक्स एफ कोड फ्रॉम फैब्रिक, तो जो एफ कोड जो फैब्रिक में जिसका मैक्सिमम एफ कोड होगा मैक्सिमम वो आ जाएगा, तो F04 आ जाएगा। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस फ्रॉम गारमेंट, इसमें क्या करेंगे कि काउंट करेंगे जितने भी अलग अलग प्राइजेस हैं उसमें जो एक जैसे प्राइस होंगे उनको हटा दिया जाएगा, फिर काउंट कर लेंगे जो गारमेंट में, तो डिस्टिंक्ट प्राइस आपके साथ आ जाएंगे। इसमें भी ऐसी है, अगला क्वेश्चन इसमें ड्रेस करके टेबल है जिसमें डी कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस एम कोड लॉन्च डेट है। इसी तरीके से टेबल है मटेरियल, एम कोड से मैच करा लेंगे। हमको डिस्प्ले करना है डी कोड और डिस्क्रिप्शन इज हर एक ड्रेस का, इसमें असेंडिंग ऑर्डर देना है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑर्डर बाय कर देंगे, डी कोड और डिस्क्रिप्शन निकाल देंगे। डी कोड और डिस्क्रिप्शन कहां से निकालना है, ड्रेस टेबल से, जो पिछला टेबल था, ऑर्डर बाय डी कोड कर लेंगे। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द ड्रेसेस विच हैव लॉन्ग्ड इन बिटवीन दिस एंड दिस, अभी अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर डिटेल डिस्प्ले करना चाहते हैं, उस टेबल पे जाएंगे, ड्रेस टेबल पे लॉन्ग्ड बिटवीन कर लेंगे दिस एंड दिस। तो हमारे यहाँ पर आएगा सिलेक्ट स्टॉल, क्यों स्टार क्यों आएगा, क्योंकि सारी डिटेल करनी है। कहां से निकालेंगे, ड्रेस से, वेयर लॉन्च रेट क्या होगा, बिटवीन दिस एंड दिस, एंड लगाना है इसमें, और ये सिंगल कोड भी देना है डेट जो है। अब एवरेज प्राइस निकालना है, तो एवरेज हमारा एग्रीगेट फंक्शन हो जाएगा सारे ड्रेसेस से जिसका मटेरियल कोड बराबर होगा किसके, M003 से, तो इससे मैच करा लेंगे। सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम ड्रेस वेयर एम कोड इक्वल टू दिस। हमको डिस्प्ले करना है मटेरियल वाइज हाईएस्ट और लोएस्ट, या मीन मैक्स लेंगे, ड्रेस टेबल पे जाएंगे और डिस्प्ले करना है एम कोड ऑफ ईच ड्रेस अलॉन्ग विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस, तो ऑर्डर बाय किससे करेंगे, एम कोड से। तो सिलेक्ट बी डॉट एम कोड, क्योंकि एम कोड दोनों में है, तो ध्यान दीजिएगा बी डॉट एम कोड, टाइप निकालना है, मैक्स प्राइस निकालना है यहाँ पर एज हाईएस्ट और मीन प्राइस एज लोएस्ट, क्योंकि इनमें हाईएस्ट और लोएस्ट दिया हुआ है, तो मैक्स प्राइस एज हाईएस्ट मीन प्राइस एज लोएस्ट, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, जो अभी रिजल्ट निकल के आएगा कॉलम का, उसका नाम है बस ये। फ्रॉम कहाँ से करेंगे, ड्रेस ए मटेरियल भी दोनों को मैच कराना जरूरी है ताकि दोनों में कुछ ज्वाइन हो पाए, ज्वाइन ऑपरेशन चल पाए, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप बाय टाइप, क्या करेंगे, ग्रुप बाय टाइप, ये आपका जो टाइप दिया हुआ है। सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम ड्रेस वेयर एम कोड इक्वल टू M001, इसमें सम आ जाएगा वो प्राइस जो ड्रेस से निकलेगा जहां पर एम कोड 001 से है, तो वो सम प्राइस आ जाएगा 2700 रुपए। सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप फ्रॉम ड्रेस मटेरियल, दोनों से निकलेगा डिस्क्रिप्शन टाइप, इसको मैच भी कराएंगे, ये मैच का कोड है, ड्रेस प्राइस 1250 होना चाहिए, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन आपके आ जाएंगे और टाइप आ जाएगा जिसका प्राइस जो है 1250 के ऊपर। इसी तरीके से आपको मैक्स एम कोड निकालना है मटेरियल से, मटेरियल में जितना जिसका मैक्सिमम एम कोड आ जाएगा वो M004 है। काउंट निकालना है या नंबर आएगा इसमें, ड्रेस कितने ड्रेस हैं आपके, 6, और डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग है। ऐसे आपके पास दो टेबल है, स्टेशनरी और कंज्यूमर, इसमें SID है, इसमें CID है, मैच किससे कराएंगे, SID से करा सकते हैं, जहां स्टेशनरी नेम है, कंपनी है, प्राइस है, इसमें कंज्यूमर नेम है, एड्रेस है, SID है। तो डिस्प्ले करना है डिटेल का वो सारे कंज्यूमर जो एड्रेस जिसका दिल्ली में है, तो एड्रेस मैच करा लेंगे दिल्ली से, इक्वल टू दिल्ली करा देंगे, सारा डिटेल मतलब स्टार आना चाहिए, कंज्यूमर टेबल का नाम होगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर जहां पर एड्रेस होगा दिल्ली। डिस्प्ले करना है डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी जहां पर प्राइस बिटवीन, अभी ये बिटवीन आ गया 8 से 15, तो बिटवीन 8 एंड 15, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेशनरी वेयर प्राइस बिटवीन 8 एंड 15। टू डिस्प्ले द कंज्यूमर नेम एड्रेस, कंज्यूमर नेम और एड्रेस लेंगे टेबल कंज्यूमर से, और कंपनी और प्राइस स्टेशनरी टेबल से, जहां पर करस्पॉन्डिंग मैच करेंगे SID से, तो इसमें क्या करेंगे, कंज्यूमर नेम एड्रेस कंपनी, कंपनी से प्राइस से, कहां से लेना है, कंज्यूमर और स्टेशनरी दोनों से, जहां पर दोनों को मैच करा दें, कंज्यूमर डॉट SID इज इक्वल टू स्टेशनरी डॉट SID। इंक्रीज करना है प्राइस को ऑल स्टेशनरी बाय 2, तो इसमें क्या करेंगे, जो स्टेशनरी होगा उसको स्टेशनरी से 2 से बढ़ा देंगे, तो अपडेट यहाँ पर कमांड चलाएंगे, यहाँ पर आपका अपडेट कमांड चलेगा, तो अपडेट स्टेशनरी सेट, अपडेट के साथ हमेशा सेट होता है, जैसे इंसर्ट के साथ इनटू होता है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इंसर्ट के साथ वैल्यूज होता है ना, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर अपडेट के साथ सेट चलता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा कि ये प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 2। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, अब इसमें क्या करेंगे, हमको डिस्ट्रिक्ट एड्रेस कस्टमर से निकालने हैं, तो उसका कारण ये होगा कि हम वो सारे एड्रेस आ देंगे जो कस्टमर कंज्यूमर से निकलेंगे लेकिन डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कंपनी मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस आएगा, काउंट स्टार जितने काउंट हो जाएंगे, और स्टेशनरी से ग्रुप बाय कंपनी करना है, कंपनी ये ग्रुपिंग बाय होगा,
और उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम और काउंट स्टार, इसका नाम एज करके भी दे सकते थे आप, एज कुछ टोटल कर सकते थे। अब कंज्यूमर, कंज्यूमर नेम चाहिए, स्टेशनरी नेम चाहिए, स्टेशनरी का प्राइस चाहिए, दोनों टेबल से लेंगे जहां पर दोनों को मैच कराएंगे। तो कंज्यूमर नाम, स्टेशनरी नाम और प्राइस आएगा इसमें। सिलेक्ट स्टेशनरी नेम, प्राइस इंटू थ्री और स्टेशनरी से, तो इसमें बहुत आसान है, स्टेशनरी नेम प्राइस इंटू थ्री, सीधा स्टेशनरी से निकल के आ जाएगा। तो यह हमने देखा आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और पूरा चैप्टर हमने देखा। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप एसक्यूएल MySQL डाउनलोड कर सकें और उसमें चला सकें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।